20 जो मैथ क्वेश्चंस हैं, ये टोटल 40 नंबर तक आपका वहीं से रिपीट किया गया है। 21 तारीख का प्रश्न पत्र देखिए, वो भी रैंडमली सिलेक्ट किया गया, उसमें नहीं मिला। हमारे पास 4 प्रश्न पत्र सील अवस्था में और है, उनको देखेंगे, हो सकता है नहीं मिलेगा। रैंडमली सिलेक्ट किया गया है, कोई रिपीट हो सकता है, कोई रिपीट नहीं हो सकता। 2017 से ये एग्जाम हो रही है और 17 बार ये रद्द हुआ है। प्रमाण दिया जाए, हम लोग जांच करने के लिए तैयार, हमारे पास कोई प्रमाण लेकर के आएगा, निश्चित रूप से आयोग उसकी जांच करेगा। टोटल रीजनिंग को यहाँ 20 का 20 रीजनिंग को यहाँ उतार कर रख दिया गया है। इसके अधिकारी लोग सिर्फ पेमेंट उठाते हैं और वो कोई काम नहीं करते हैं। ये परीक्षा को तत्काल रोक दिया जाए, इसको रद्द कर दिया जाए, सुनवाई नहीं होती तो हम लोग बहुत जल्द यहाँ अमरन अनशन करने के लिए हम लोग जमीन में यहाँ पर बप्पू वाटिका में उतरने वाले हैं। पागल हाथी को देखकर जिस तरह से आंख बंद कर लिया जाता है, ठीक इसी तरह से इंटरनेट को बंद कर दिया गया था 2 दिन। नमस्कार, जोहार। आप सभी को पता है कि झारखंड में JCC की तरफ से 21 और 22 सितंबर को JCC सीजल का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। JCC सीजल काफी लंबे समय से विवादित में रहा है और कई बार इसको एग्जाम लगभग करीब 16 से 17 बार इसके एग्जाम डेट को बार बार टालते गया था। एक बार इसी साल में पिछले बार JCC सीजल का एग्जाम हुआ था, बकायदा पेपर लीक होने के बाद से इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। 21 और 22 सितंबर को जब एग्जाम हो रहा था तो उस दौरान पूरे प्रदेश में इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था, इसलिए ताकि राज्य में जो परीक्षा की जो पेपर है वो लीक ना हो। इसके बावजूद भी हजारीबाग से खबरें आ रही थी, कई स्टूडेंट का कहना था कि उनका जो क्वेश्चन पेपर था उनका सील खुला हुआ था। बाकायदा उन्होंने जो अब एग्जामिनर थे उनसे भी बात की तो उनको ये धमकी दी गई कि आप एग्जाम लिखिए, एग्जाम के बाद इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। इमाम सफीफ जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो आपको जोहार। जोहार जोहार। ये JCC सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था 21 और 22 सितंबर को, कई छात्र हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें इस भर्ती मतलब एग्जाम प्रक्रिया में पेपर लीक की कई तरह की खबरें चल रही है। कई छात्रों का ऐसा कहना था कि हजारीबाग से खबर निकल करके आ रही थी कि उनको जो पेपर दिया गया था उसमें सील खुला हुआ था, तो क्या है आपकी प्रतिक्रिया इसके बारे में? बिल्कुल, बहुत जो दुखद बात है, ये 18 साल लगभग 17 साल यानी 2017 से ये एग्ज़ाम हो रही है और 17 बार ये रद्द हुआ है। 17 बार इसको शेड्यूल को चेंज किया गया है सरकार द्वारा और लगभग 7-8 साल से अभी बहुत मुश्किल से 21 और 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुई है उसमें बहुत मुश्किल से, बहुत मुद्दत से लोगों ने परेशानी से एग्ज़ाम दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा गड़बड़ी सामने आया। इसमें क्या हुआ है कि पूरा जो है पहले से लिया गया परीक्षा का 2019 का CGL का टोटल रीजनिंग को यहाँ 20 का 20 रीजनिंग को यहाँ उतार कर रख दिया गया है। मैथ में इसी तरह हुआ है, 20 मैथ का क्वेश्चन है इसमें और 200 का 200 क्वेश्चन को जो है 2022 CGL का क्वेश्चन को यहाँ हूबहू उतार के रख दिया गया है। इसी तरह कंप्यूटर में भी 20 क्वेश्चन है तो उस 20 क्वेश्चन को भी RRB जो एग्जाम ली थी 2023 में उसको सेम उतार के रख दिया गया है। लगभग एक बुकलेट में करीब क्वेश्चन दिखा दीजिएगा, ये 20 सीरीज का क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर से ये 21 नंबर से लेकर के यहाँ से आपका जो शुरू होता है तो SSC CGL 2022 के द्वारा यहाँ से जितना भी मैथ है यहाँ पर 20 जो मैथ क्वेश्चंस हैं ये टोटल 40 नंबर तक आपका वहीं से रिपीट किया गया है। उसके बाद देखिए SSC CGL 2019 का यहाँ से जो है रीजनिंग को हूबहू सिर्फ क्रम को चेंज किया गया है और ये टोटल का टोटल आपका वहीं से उतार दिया गया है। देखिए IBPS RRSB 2023 वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर वायरस क्या है ये क्वेश्चन है, हूबहू ये 20 क्वेश्चन है इसको भी आपको उतार दिया गया है सेम टू सेम। मतलब इतना ज़्यादा बवंडर ये सरकार और ये निकम्मी आयोग करती क्या है, इसके अधिकारी लोग सिर्फ पेमेंट उठाते हैं और वो कोई काम नहीं करते हैं। ये पूरा व्यवस्था ही नहीं, ये सरकार ही नहीं, ये पूरा व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है इस समय और ये परीक्षा को तत्काल रोक लगाना चाहिए। ये कंपनी को जो है जिसने ये एक क्वेश्चन जो है 60 पेज क्वेश्चन नहीं बना पा रही है तो ऐसे क्वेश्चन को तत्काल जो है इसको रोक लगाया जाए, इसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, हम लोग का मांग है। और ये परीक्षा को तत्काल रोक दिया जाए, इसको रद्द कर दिया जाए और CGL और JSSC के जितने पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कड़े से कड़े कार्रवाई हो। सिर्फ स्टूडेंट की कार्रवाई के लिए कानून बना है लेकिन जो है आपका पदाधिकारी के लिए कानून क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, ये हम लोग का सवाल है। और अगर यदि सुनवाई नहीं होती तो हम लोग बहुत जल्द यहाँ अमरन अनशन करने के लिए हम लोग जमीन में यहाँ पर बप्पू वाटिका में उतरने वाले हैं। अच्छा, हजारीबाग से खबर निकल करके आ रही थी कि कई छात्र थे वो आरोप लगा रहे थे कि उनके जो क्वेश्चन पेपर था उसका सील खुला हुआ था,
उन्होंने बकायदा एग्जामिनर से इसकी बात भी की थी। एग्जामिनर की तरफ से कहा गया कि आप एग्जाम दीजिए, हम इसकी बाद में करेंगे। तो इसमें कहीं पेपर लीक की समस्या हुई तो बकायदा पेपर लीक को रोकने के लिए 2 दिनों तक इंटरनेट शटडाउन भी रहा पूरे प्रदेश में। इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, लॉकडाउन की स्थिति जो बना दिया गया था यानी इंटरनेट प्रक्रिया को, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये प्रक्रिया ठीक उसी तरह है जैसे सामने हाथी को देखकर, पागल हाथी को देखकर जिस तरह से आंख बंद कर लिया जाता है, ठीक इसी तरह से इंटरनेट को बंद कर दिया गया था 2 दिन पागल हाथी को देख करके आंख बंद करने के समान है, मैं इसको मानता हूं। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार को दूर करना हो, बताइए क्वेश्चन को पेस्ट करके आपको यहां डाल दिया गया है, ये भ्रष्टाचार का नया तरीका अपनाया गया है। अब तो इसमें खुलेआम बोल दिया गया होगा कि 2019 का क्वेश्चन फलना फलना पढ़ लीजिए जिसको सेटिंग किया गया है। तो ये 2016 से चल रही है प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म है, इसको बंद करना चाहिए और नए सिरे से नया सिलेबस को बना करके, और जो है पीटी और मेंस दोनों अलग अलग एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि पीटी एक राउंड का एग्जाम होता है, ये भ्रष्टाचार होता है। तो पीटी का अलग हो और भीड़ को कम करने के बाद मेंस का अलग से एग्जाम हो और बहुत ही पारदर्शी ढंग से एग्जाम लिया जाए और ये एग्जाम को तत्काल रोक लगाया जाए, रद्द किया जाए। आपने एक बात कही कि जो अपने बात की कि सेटिंग की बात की, आपने बकायदा हमें क्वेश्चन भी दिखाया कि फलाने पेपर्स में क्वेश्चन पूछा गया था, बकायदा हु बहु इस पेपर में भी छाप दिया गया। आपका कहना है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी मतलब एक साक्ष्य है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, ऐसा आपका मानना है? और सिर्फ इसी में नहीं है, पहला पेपर में भी हिंदी में भी इसी तरह हुआ है और आपका सेकंड पेपर जो है, आप ये जो पेपर दिखा रहे हैं ये 22 तारीख वाला पेपर है या फिर 21 तारीख? 22 तारीख वाला पेपर है, ये थर्ड पेपर है। अच्छा, 21 तारीख वाले पेपर में भी किसी तरह की कोई? उसमें 21 तारीख वाला में हिंदी में हुआ है और हिंदी इंग्लिश में जो था 50% क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस भी था। बहुत सारा विवाद है, इतना ज्यादा विवाद है और बहुत सारे जगह तो आपका कॉपी जो है खुला हुआ मिला हुआ था, खुला कॉपी मिला था। यानी ये सरकार पूरी तरह से परीक्षा जो है पारदर्शी ढंग से लेने में असफल रही है, इसलिए इसका मैं मांग करता हूँ, मैं इमाम सफी मांग करता हूँ और हमारे झारखंड की यूथ एसोसिएशन संस्थान भी मांग करती है कि तत्काल इस परीक्षा को वापस लिया जाए और नहीं तो यहाँ पर झारखंड में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ हेमंत सोरेन की लापरवाही नहीं है, ये पिछले सरकार ने भी, ये बीजेपी की सरकार ने भी, ये 2000 बताइए ये 15 से 16 का नोटिफिकेशन था, 15-16 का नोटिफिकेशन है, यदि पारदर्शी ढंग से एग्जाम ले सकती थी तो 2019 तक ये रघुवर दास की सरकार थी, वो भी चाहती तो इसको परीक्षा ले सकती थी, लेकिन वो नाकाम रही और ये रघुवर दास, ये हेमंत सोरेन की सरकार भी नाकाम रही है। इसलिए मैं दोनों सरकार से मैं उनका दोनों का खिलाफ बात करता हूं और मैं कहता हूं कि ये लोग जो है स्टूडेंट का जिंदगी बर्बाद करने में बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं। इन दोनों को मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए इसमें।